बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज लगातार दूसरे दिन भी पूरे भारतवर्ष के साथ कुरुक्षेत्र में भी सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। जिले के सरकारी बैंकों की 172 शाखाएं और 178 एटीएम नकदी खत्म होने के चलते बंद रहे, जिससे लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस प्रभावित हुआ। कुरुक्षेत्र में पीएनबी सेक्टर 13 की ब्रांच के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। तदुपरांत लघु सचिवालय तक रैली निकालते हुए वहां पर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के नाम का ज्ञापन डीआरओ डॉक्टर चांदीराम चौधरी को सौंपा गया। सभा को संबोधित करते हुए यूएफबीए के संयोजक रॉय सिंह, पीएनबी व दीपक गर्ग यूनियन बैंक ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट सत्र 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण करने की बात कही गई है। वह ना तो जनता के हित में है और ना ही कर्मचारियों के। भारत सरकार द्वारा लागू की गई अनेक योजनाओं को सरकारी बैंकों में, जैसे कि जनधन खाता, अटल पेंशन योजना, नोटबंदी, स्वनिधि ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना आदि को सफलतापूर्वक पूरा किया है और जन जन तक पहुंचाया है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं का लाभ जन जन तक नहीं पहुंच पाएगा और निजीकरण से कुछ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था चली जाएगी। कॉमरेड विनय कुमार SBI, प्रीतम सिंह इंडियन बैंक में जसपाल सिंह SBI ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए निराशाजनक है। इसके अतिरिक्त बैंक के निजीकरण से सार्वजनिक बचत के लिए अधिक जोखिम, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की कमी और सेवानिवृत्त नागरिकों, पेंशन भोगियों के लिए बचत करना मुश्किल होगा। ग्राहकों से अधिक सेवा शुल्क वसूला जाएगा। जनता की बचत पूंजी पर बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। कॉमरेड पंकज SBI और विजेंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि हमें हड़ताल पर जाने का कोई शौक नहीं है। हड़ताल करने का हमारा वेतन कटता है तथा हड़ताल के दिनों का लंबित कामकाज का बोझ बैंकों के खुलने पर हमें ही निपटाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो बैंकर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार हैं। कॉमरेड हौकम चौधरी, पूर्व बैंकर संजीव, PNB व गुरदीप सिंह SBI ने बताया कि बैंकों का NPA बढ़ने की सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार की गलतियां हैं। उद्योगपतियों को कई प्रकार से छूट दी जाती है, जिसकी वजह से बैंकों को कर्ज वसूलने में दिक्कत होती है। इस अवसर पर विनोद अरोड़ा, संदीप तेजा, सतीश रोहिला, विशाल सिंगला, विकास शोगन व अन्य बैंक कर्मी जिले भर के मौजूद रहे।